अप्रॉक्सीमेटली ये 1 लाख रुपए की एक बोतल बनती है 200 ml की। मैंने बचपन में बहुत सी अतर्स को इस तरह एक्सपीरियंस किया है मस्क के, और वो हम एक्सपीरियंस करते थे ना, ऐसे लगता था कि यार ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं आप भाइयों के साथ डिस्कस करूंगा, ये है थॉमस कोसमाला एप्रेसलेमा। इसको नंबर 4 भी कहते हैं और ये रिसेंटली ही ज़्यादा हिट हुई है। क्यों हिट हुई है? एक फ्रेग्रेंस है BR540, उसकी ये इंस्पिरेशन है और वो बहुत बड़ा नाम है, बहुत ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है, लेकिन बहुत ओवर प्राइस है। पर्सनली मेरा कभी दिल नहीं किया कि मैं उसको बाय करूँ, क्यों? उसकी प्राइस, लेकिन फ्रेग्रेंस वो बहुत ज़बरदस्त है। जैसा अवेंटस को बहुत सी फ्रेग्रेंसेस उसने क्लोन किया है, इंस्पिरेशन लेके अपनी फ्रेग्रेंस का काम किया है, इसी तरह उस पर भी ऐसे ही हुआ है। हमारे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर उसके अंदर अतर भी मौजूद है उसका, उसके बाद ये फ्रेग्रेंस भी है। मानसेरा के अंदर इंस्टेंट क्रश उस तरह की फ्रेग्रेंस है, बल्कि इनिशो के अंदर मैं आपको जिस तरह बता रहा था ऊद फॉर हैप्पीनेस के अंदर मुझे उस जैसा फील आता है। कहने का मतलब उसको भी अवेंटस की तरह बहुत ही कॉपी भी किया गया है और उस पर इंस्पिरेशन के साथ अपना काम भी किया गया है। तो बहरहाल प्राइस, अब अप्रॉक्सीमेट में दुबई में था, दुबई में 1900 some dirham 200 ml बॉटल का रेट था। अप्रॉक्सीमेटली ये 1 लाख रुपए की एक बोतल बनती है 200 ml की। तो मुझे तो कभी इस वजह से ना कोई फैसिनेशन नहीं हुई कि मैं इतनी महंगी और ओवर प्राइस चीज़ को लूँ। नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन 1 रुपए की हमने 4 रुपए में तो नहीं लेनी, इस वजह से मैंने उसको कभी बाय नहीं किया। अब ये फेमस क्यों हुई एप्रेसलेमा यानी कि नंबर 4 थॉमस कोसमाला, ये उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फेमस हुई है। 2019 के अंदर आई थिंक ब्यूटी वर्ल्ड की जो एग्जीबिशन हुई थी उसके अंदर थॉमस कोसमाला ने अपनी फ्रेग्रेंसेस की मार्केट एक नए तरीके से या नए सिरे से की थी, तो उसकी इंस्पिरेशन के ऊपर ये फ्रेग्रेंस ज़्यादा मशहूर हुई, क्योंकि एक डिसेंट भी है, नीट भी है और ज़बरदस्त भी है, और इसका नाम एक बड़ी फ्रेग्रेंस के साथ जुड़ता है। अब इस फ्रेग्रेंस की प्राइस क्या है? अब इसकी प्राइस जो हमारी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर और जो मुझे कॉस्ट की है तकरीबन 19,500 रुपये से लेकर 20,500 रुपये तक है। अगर ये फ्रेग्रेंस अगर आपको मार्केट में अलफते वगैरह या इस तरह के स्टोर पे एक्सपीरियंस करेंगे, तो मेरा लास्ट टाइम गया था अलफते पे आई थिंक हफ्ते के करीब, तो मुझे उसकी प्राइस मिली थी तकरीबन कोई 23,000 रुपये या पता नहीं 22,000 से 24,000 23,000 के आसपास। तो बहरहाल ये इसकी प्राइस है हमारी पाकिस्तानी मार्केट के अकॉर्डिंग। बाकी ये फ्रेग्रेंस कैसी है? यार बहुत ज़बरदस्त, लीनियंट और डिसेंट किस्म की फ्रेग्रेंस है। अपने फेसेस ज़्यादा नहीं बदलती कि ओपनिंग और है, मिडल और है और बेस और है। बाकी ये एक लीनियंट, एक डिसेंट वे में एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चलती है। जो ओपनिंग है टिल एंड आपको वही फ्लेवर वही फ्रेग्रेंस महसूस होती है, क्योंकि इसका बेस नोट का इम्पैक्ट ज़्यादा है जिसमें मस्क, एम्बर और वुडी स्ट्रक्चर है। देखिए हमने मस्क की फ्रेग्रेंसेस इस तरह एक्सपीरियंस किया, आप भाइयों के साथ एक्सपीरियंस हुआ होगा और मुझे बड़ी उम्मीद है, लेकिन मेरे साथ इसी तरह ही है। मैंने बचपन में बहुत सी अतर्स को इस तरह एक्सपीरियंस किया है मस्क के, और वो हम एक्सपीरियंस करते थे ना, ऐसे लगता था कि यार ये क्या है। एक तो हमारी नोज मैच्योर नहीं थी और वो बहुत कड़वे और पंजेंट और पावरफुल और रफ किस्म के अतर हुआ करते थे, मस्क में भी, एम्बर में भी और ऊद में भी। हालांकि ये दोनों तीनों बहुत ही हाई ग्रेड मटेरियल्स हैं फ्रेग्रेंस के अकॉर्डिंग और बहुत ही हाई एंड प्राइसेस के अंदर है, तो ये मतलब इतने मतलब तंग करने वाली चीज़ें हैं, तो इतनी हाइप क्यों या इतनी महंगी प्राइसेस में क्यों? तो ये वो स्ट्रक्चर नहीं है जो हम कभी सूंघा करते थे या जो हमें कभी समझ आया करती थी, जो जो हमने कभी एक्सपीरियंस किया। बहुत ही डिसेंट, अगर आप हाई ग्रेड के जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, आप में से जो भाई एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे, मस्क, एम्बर और जो ऊद है एक ग्रेड की क्वालिटीज, बड़ी और चीज़ें हैं, बंदे को एक बड़ा एहसास करवाती है, मैजिक, एक मज़ा करवाती है। तो बहरहाल ये अगर आपका कॉन्सेप्ट मस्क और एम्बर और रूडी स्ट्रक्चर पे वैसा है तो ये वैसी फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही डिसेंट, लीनियंट और मज़े की चीज़ है। मेरे लिए तो ये एक्सपीरियंस करने से ताल्लुक रखती है, लेकिन इस फ्रेग्रेंस के अपने इस मतलब इस फ्रेग्रेंस के नहीं मतलब इस कॉन्सेप्ट के ही अपने लवर्स भी हैं और हेटर्स भी मौजूद हैं। बहुत से लोगों को पसंद है और बहुत से लोगों को ये फ्रेग्रेंस नहीं भी पसंद है, बल्कि मेरे एक दो दोस्त हैं उनके साथ मेरी डिस्कशन हुई, बहुत पसंद की है, और एक दोस्त है इस्लामाबाद से हैं, वो कहते हैं यार मेरी समझ में नहीं आई। ठीक है, कोई बात नहीं यार, अपनी अपनी ओपिनियंस हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेज हैं, तो ये नहीं कि ये चीज़ बुरी है, पर अपनी अपनी पसंद की बात है। अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? यार परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग लास्ट तो बहुत करती है, अच्छा खासा परफॉर्म करती है। मैं अपनी गर्दन के ऊपर लगाता हूँ, नेक पे, कंबाइन बॉडी पे भी और कपड़ों पे भी मिक्स करता हूँ, ज़्यादा नहीं कपड़ों पे करता लेकिन अपने नेक पे लगाता हूँ, तो मुझे तो ये अच्छा खासा लास्ट देती है। और बाकी इसकी जो परफॉर्मेंस है
प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे इनडोर के अंदर ये कॉम्प्रोमाइज है, इतना नहीं फैलती, इतना ज़्यादा बड़ा अपना प्रोजेक्ट नहीं करवाती जितना ये आउटडोर में करवाती है। हवा चलती हो और आपने ये फ्रेगरेंस लगाई हो, कमाल की प्रोजेक्शन देती है, कमाल की प्रोजेक्शन देती है। बाकी इस तरह की यार फ्रेगरेंसेज की एक टेक्निकली रीज़न ये भी होती है कि इनडोर के अंदर हम फ्रेगरेंसेज को, इतनी पावरफुल चीज़ को अगर हम ओवरडोज करें या बहुत बड़ा प्रोजेक्टर हो तो हमारे साथ चार बंदों को और भी तंग करें। हो सकता है मुझे मज़ा दे रही हो लेकिन मेरे साथ चार बंदे और तंग हो रहे हो। मैं अक्सर बात करता हूँ, हम जुमे की नमाज के अंदर क्योंकि गैदरिंग में ही ज़्यादा होती है, हम लोग ऐसी ऐसी फ्रेगरेंसेज लगा के निकलते हैं कि हम तो मज़े कर रहे होते हैं, हमारे साथ चार बंदे और तंग हो रहे होते हैं। तो इस वजह से इस तरह की फ्रेगरेंसेस को डिज़ाइन किया होता है, टेम्ड किया होता है कि ऑफिस वेयर में, इनडोर में या गैदरिंग के अंदर भी अगर आप उसको यूज़ करें तो दाएं बाएं किसी को तंग ना करें। तो बार ये मेरी ओपिनियन है। बाकी ये फ्रेगरेंस मैं आपको कहूँगा कि अगर आप भाइयों ने इसको लेना हो, एक्सपीरियंस करना हो, तो ये गुड टू गो है। आजकल के मौसम के लिए भी बेहतर है, पीछे जो सर्दी वाला मौसम गुजर गया वो भी बेहतर है, बाहर तक का मौसम बेहतर है, बस वो जून जुलाई का जो एक वो ह्यूमिडिटी वाला सख्त मौसम होता है उसमें शायद ये आपको भी चोक करे, आपको भी तंग करे। तो उस मौसम के अलावा ये फ्रेगरेंस गुड टू गो ऑप्शन है। कॉम्प्लीमेंट गेटिंग भी इसके अंदर फैक्टर है। बहरहाल ये मेरी ओपिनियन थी, मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप भाइयों के साथ शेयर किया है। बाकी अगर इस फ्रेगरेंस को आप भाइयों ने भी एक्सपीरियंस किया हो, नंबर 4 को, थॉमस कोसमाला, तो मुझे अपनी ओपिनियन को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि यार हमारा एक्सपीरियंस इस फ्रेगरेंस के साथ ऐसा रहा है। तो मेरी मुझे उम्मीद है कि मैं कुछ जो अपना एक्सपीरियंस आप भाइयों को समझाने की कोशिश की थी कामयाब हुआ होगा। बाकी अगेन आपने अब अपने ओपिनियंस मुझे ज़रूर शेयर करने हैं। ये मेरी आज की वीडियो थी, अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।